सब्सक्राइब करें आजाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। सालों से खजुराहों के मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक रहे हैं। कहा जाता है जब खजुराहों के मंदिर बनाए जा रहे थे तब लोगों को सेक्स के प्रति इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, संभोग के प्रति इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी। उसके बाद में वहां के राजा ने वहां मंदिरों में जो है ऐसी नक्काशियां छिदवाई जिनमें सेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इनसे पता चलता है कि किस तरह से हिंदू धर्म में खजुराहों के मंदिर को बनाया गया था और किस प्रकार क्यों बनाया गया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो है अश्लीलता का प्रतीक है। दोस्तों सबसे बड़ी बात उस समय ये थी कि जब खजुराहों के मंदिर नहीं थे तब लोग ज्यादातर जो है सन्यासी हो रहे थे, या तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे या फिर सन्यासी हो रहे थे, और दोनों ही बातों में हिंदुओं की जो मतलब संख्या थी वो घटती जा रही थी, जिस वजह से और जो दूसरी प्रजाति के लोग थे जैसे कि जो राक्षस प्रजाति के लोग थे उनकी संख्या बढ़ रही थी। इस कारण से उन्होंने ये मंदिर बनाने पड़े ताकि लोगों के प्रति इस बारे में जागरूकता आए। और उस समय लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं जाते थे तो वो मंदिर में ही जाते थे, क्योंकि उस समय पे कोई पार्क वगैरह नहीं था, इसलिए जितने भी लोग जाते थे वो सबके सब मंदिर ही जाते थे घूमने के लिए या आस्था के लिए या ध्यान के लिए जब भी जाते थे। तो उनको सेक्स के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको संभोग के प्रति जागरूक करने के लिए ये बनाए गए थे ताकि लोगों के अंदर जागरूकता रहे और लोग जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाएं जिससे आर्यव्रत का विस्तार हो सके, क्योंकि आर्यव्रत हल्के हल्के सिमटता चला जा रहा था क्योंकि कम हो रही थी इस वजह से, क्योंकि सारे लोग ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। अब ये बात हकीकत है कि ब्रह्मचार्य सबसे अच्छा जीवन है, सबसे उत्तम जीवन अगर मानव जीवन है तो उसमें ब्रह्मचार्य ही है, ब्रह्मचार्य से ऊपर बढ़ के कुछ भी नहीं है। पर अगर हर कोई ब्रह्मचार्य का पालन करने लगेगा तो फिर सृष्टि किस तरह से चलेगी? सृष्टि को चलने के लिए अपनी प्रक्रिया चाहिए, अपने जन्म की प्रक्रिया चाहिए, पर जब सभी ब्रह्मचार्य हो जाएंगे तो पालन कौन करेगा इस सृष्टि के नियमों का? इस तरह से इस कारण से जनसंख्या कम हो रही थी, जिसके लिए वहां के राजा ने यानी कि जो राजा थे उन्होंने मंदिरों में जो है ऐसी नक्काशियां छिदवाई जिनमें जो है हर तरह की जानकारी आपको प्राप्त हो, और कामसूत्र के बारे में सबसे अधिक उस समय जानकारी प्राप्त होने लगी थी इन मंदिरों से। अब इनका कारण क्या था कि कामसूत्र, आज के जमाने में केवल नॉर्मल सेक्स होता था, क्यों? उस समय पे योग भी बहुत बड़ी चीज था। आज भी योग अगर आप मानते हैं कि अगर डेली योग करते हैं तो दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है जो आपको घेर सके। इसके अलावा उस समय संभोग में योग भी सिखाते थे, तो इसी वजह से ऐसी मुद्राएं बनी हुई हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर योग कितना ज्यादा मायने रखता है। हर जगह पे योग, एक योग है क्या? योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि हम परमात्मा से जोड़ते हैं और संभोग में भी हम अपनी आत्माओं को जोड़ते हैं, तो इसीलिए इसमें योग को जो है इस तरह से दर्शाया गया है जिनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। इस बात से हम झुटला नहीं सकते कि ये जो है हकीकत है। लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म में ये नग्नता का प्रतीक है, अश्लीलता का प्रतीक है। अरे पर ये तो सोचिए, अगर इस वजह से आपकी जान बच रही है, अगर इस वजह से आपकी विस्तार हो रहा है, आपकी धर्म का विस्तार हो रहा है, आपकी जाति का विस्तार हो रहा है, तो ये चीज किस तरह से गलत हो सकती है? हम मानते हैं कुछ समय के लिए ये गलत हो सकती है, कुछ जगहों पर ये गलत हो सकती है, बालकों के लिए ये गलत हो सकती है, पर हर किसी के लिए ये गलत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हर कोई ब्रह्मचार्य का पालन करेगा तो फिर सृष्टि कैसे बढ़ेगी, तो फिर जन्म की क्रिया किस तरह से पूर्ण होगी? इसी वजह से दोस्तों वहां पर ऐसी नक्काशियां छिदवाई गई थी। आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आखिर खजुराहों के मंदिर बेशर्मी का प्रतीक है या हमारे धर्म और जाति को बचाने का प्रतीक है। किस तरह से हमारे धर्म को बचाया गया, किस तरह से आर्यव्रत का विस्तार किया गया था खजुराहों के मंदिर के द्वारा, ये सत्य घटना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।